थोड़ा इधर से घूम के दिखा दीजिए। पोखर जो है ये इतना ही सा जो पोखर है कि ये 11,91,000 रुपया का ये बजट से बना है। और ये पोखर जो है यहाँ पे देखिए, ये पोखर अभी से जो है ये टूटने लगा है। ये कितना दिन पहले यानी बोला जा रहा है, 5 से, थोड़ा जूम करके इधर नीचे आ जाइएगा, यानी 6 से 7 महीना ये पोखर बनाया हुआ है, 12 लाख का बजट से बना है। तो देखिए किस तरह यानी भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15वीं वित्त आयोग योजना से ये बना है। तो यहाँ के बाद मुखिया श्रीमती रीता देवी है। तो यहाँ पे यानी करीबन ये 12 लाख के बना हुआ ये पोखर है। पोखर को यानी इतने से पहले ये पता चल रहा है कि 5-7 महीने में ही जो है कि ये टूटना यहाँ से चालू हो गया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे भी आ जाइए, ये सब इस तरह यहाँ पे देखिए, अभी भी यहाँ पे ये पोखर बना है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये पता चलता होगा, देखिए यहाँ पे अभी भी मिट्टी भसर रहा है। तो भ्रष्टाचार किस तरह हुआ है जलालगढ़ प्रखंड में, जो कि आखिर इसका भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी भ्रष्टाचार कब तक ये गाँव में लूटता रहेगा? अगर इसी तरह चलता रहा तो यानी सरकारी सभी संस्था का और सभी योजना का पैसा इसी तरह सब यानी खाता ही रहेगा। तो अगर खाते रहेंगे और इसी तरह बच्चे भी यहाँ पे डूब के मर रहे हैं, अगर इसको अच्छे से बनाते, इसको थोड़ा सफाई करके, तो इस जगह देखिए यहाँ पे जो है इसको और सही से बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। जैसे भी से यहाँ के लोगों से बोला जा रहा है कि खड्ढा कर दिया गया, क्या क्या चीज से कोड़ा है, जैसे भी से क्या इसको और साफ करना चाहिए, साफ होना चाहिए। 60 फीट गहरा था तभी पानी, जब हमारा भगना डूबा यहाँ पर, मेरा भांजा भगना, आने की उसको खोजने के लिए 1 घंटा था लगा। मेरा बहन छोटा था और मैं था, घुसा उसमें, कादो निकाले नहीं निकला, उस मर के वो साइड में चला गया। इसलिए इसका सही संविधान होना चाहिए। इसमें और यानी मिट्टी डालना था ना, इतना बड़ा पोखर नहीं बनाना था। और ये जो जिस तरह पोखर है इसको यानी बराबर करना था और आगे जो है इसको और आगे बड़ा करना था ना। हाँ और क्या, यानी ये थोड़ा सा यानी कितना पाया, यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5-7 पाया में ही क्या किया? ये कितना फीट होगा, ये कितना लाख का बना होगा आप लोगों को लग रहा होगा? दो तीन लाख भी नहीं होगा, ये 2-3 लाख का भी नहीं बना होगा है ना। यानी इसी बनना चाहिए, ये 12 लाख का है, 2-3 लाख भी नहीं लगा है इसमें। नहीं तो कितना का बना होगा आप लोगों को पता है? कितना होगा आपको कुछ पता है? हम बना जाना चाहिए, कितना का बना होगा आपको, कै टका लगा होगा? ये 12 लाख का है। चलिए ठीक, छठ घाट जो ऐसा कर दिए, छठ घाट जो ऐसा बना, आप लोग उतर जाते हैं नीचे तक? ना उतर सकते हो, ग्राम के ना उतरते, देखो जो ये कमर गड्ढा छी, उसमें क्या गिर जाएगा आदमी है? तो गिर नहीं जाते तो की तो वहाँ गिरे में बच्चा डूबले मरले की छा कोनो रंग रूप छा, यानी इसको और नीचे तक 2-3 आरो लागती है ओकरा में। ए या देखो जो ये ढिप ढिप का सबटा बदर बदर के गिरे छा। अब ये यानी कितना महीना पहले बना है? का दिन भेबे कर ल छ बनेल से, जहिया से टका खाए छ तहिए से ही उधर शुरू भेल छ। जब टका खाना शुरू हुआ तहिए से उधर भी शुरू हो गया। देखो ना, न टूटे छ, देखो तो देखिए ना, टूटना स्टार्ट हो गया। क्या वही तो बोलते हैं, छठ घाट सही बना है? नहीं तो छठ घाट और नीचे तक जाना था, नीचे जाना चाहिए, एंगनी बनाना चाहिए। तो आप लोग क्या सरकार से मांग करते हैं, जांच हो? सब बच्चा सबका डूबे के वास्ते करी देलको छ, यानी आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जांच हो, फिर से यानी फिर से बढ़िया से होगा। यानी इसमें क्या लग रहा है, सही वाला बना है आपको लग रहा है? बहुत सुंदर है, नाक मुंह बढ़िया है।